Hello guys, I am Dilip Biswas. Welcome to Talent Hub Training Institute. आज हम सब लाए हैं Excel में D-gate and D-function. अभी D-gate and D-function क्या है, आज का टॉपिक यही है. सबसे पहले देखिए, मैं Excel sheet ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ. यहाँ पर क्या है, छोटा सा एक MIS डेटा दिया हुआ है. देख रहे हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नेम है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आई डी, रीजन, सिटी, क्वान्टिटी रेट एंड टोटल सेल. ठीक है, अभी सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर डी गेट फंक्शन का बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. डी गेट फंक्शन ये कैसे काम करता है. डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब डायनामिक, ठीक है, और गेट का मतलब मिलना. तो हम सब ना डी गेट फंक्शन कौन सा फंक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आप सबको पता ही है, लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स मैच फंक्शन, जो सर्च करता है उसका साथ हम सब कंपेयर कर सकते हैं. मतलब एक एक वन पॉइंट में हम सब बोल सकते हैं डी गेट फंक्शन क्या है. डी गेट फंक्शन है वी लुकअप का ऑल्टरनेटिव फंक्शन. क्लियर हो गया. तो वी लुकअप से हम सब क्या करते थे, डेटा को सर्च करते थे. तो यहाँ पर भी हम सब डेटा ही सर्च करेंगे, वो भी डी गेट फंक्शन से. हाँ, डी गेट फंक्शन का थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी है, जो वी लुकअप से कर नहीं पाते हैं ये डी गेट फंक्शन से वो भी हम सब कर पाते हैं. थोड़ा देखेंगे क्या कर नहीं पाते हैं, वही हम सब देखेंगे. क्योंकि वी लुकअप का एक रेस्ट्रिक्शंस था, वी लुकअप कैसे सर्च करता है, लेफ्ट से राइट सर्च करता है, वो बी से सर्च कर नहीं पाता है, या रिवर्स भी सर्च हो नहीं पाता है. तो हम सब यहाँ पर वही थोड़ा सा कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, डी गेट फंक्शन से थोड़ा सा सर्चिंग करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं. देखिए ऊपर में मैं थोड़ा प्रोडक्ट आई डी, हाँ, यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हूँ. ड्रॉप डाउन लिस्ट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा तो सेल्स, जो सेल्स बंदा का नाम है यहाँ पर दोगे तो क्या होगा, उसका पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा. पूरा रिकॉर्ड में मतलब मैं सिर्फ तीन ही फील्ड लिया हूँ, प्रोडक्ट नाम क्या है, रीजन क्या है, कौन सा रीजन से सेल कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और कितना टोटल सेल कितना हुआ है. मैं तीन लिया हूँ तो तीन डिस्प्ले करना है. आप पूरा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कोई सा भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखूंगा तो क्या होगा, उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा. अभी जब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लिखे हैं, प्रोडक्ट आईडी जब यहाँ पर लिखोगे प्रोडक्ट आईडी, वो प्रोडक्ट आईडी से भी सर्चिंग होगा. तो दो टाइप से हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो भी लुकअप से संभव नहीं होता है. तो यहाँ पर मानिए फिलहाल हम सबका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, इससे हम सब सर्च करेंगे. जैसे भी लुकअप में करते थे ऐसे ही करेंगे, वो भी डी गेट फंक्शन लगा के. ठीक है, अब ये मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया हूँ इसको तो डिस्कस करने का जरूरत नहीं है. बहुत सारा वीडियो में ड्रॉप डाउन लिस्ट का मैं डिस्कस कर चुका हूँ. सिंपल सा है, फिर भी एक बार देखना है तो देख लीजिए. मैं यहाँ पर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट आईडी का लिख रखा हूँ, ठीक है ना. तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं देखिए, एक बार देखा देते हैं. जहाँ पर बनाना है कर्सर को रख दीजिए, डेटा में जाइए, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन लिस्ट लेना है. लिस्ट मतलब क्या होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट. सोर्स मतलब जिसका ऊपर बनाना है, क्या क्या चाहिए, दो चाहिए, बस दोनों को सिलेक्शन कर दीजिए. ओके, देखिए इसी बटन में क्या हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए. तो मैं पहले से ही ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रखा हूँ, ठीक है. देखिए सर्च करेंगे, अभी हम सब क्या करेंगे, सर्च करेंगे जैसे वी लुकअप में करते थे ऐसा ही है. देखिए हाँ, अभी सर्च करना है तो अभी यहाँ पर क्या करना है, एक साथ वैल्यू को डिस्प्ले करना है. तो हम सब क्या करेंगे, जैसे वी लुकअप में एरे फंक्शन लगाते थे, यहाँ पर भी एरे फंक्शन ही लगाएंगे. देखिए तो यहाँ पर एरे फंक्शन, एक साथ में वैल्यू डिस्प्ले कराना है, तीनों को एक साथ डिस्प्ले कराना है. तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है एरे फंक्शन का, जहां से आपको रिकॉर्ड चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, रीजन चाहिए, तीनों को सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है. अभी क्या करते हैं, डी गेट फंक्शन लगाते हैं. डी गेट टैप कर दीजिए. देखिए डी गेट फंक्शन ना जैसे एडवांस फिल्टर जैसा काम कर, और मोटा मोटी हम सब बोल सकते हैं एडवांस फिल्टर जैसा ही काम करता है, ठीक है. देखिए डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मतलब पूरा डेटा. अभी पूरा डेटा कैसे लेना होगा, जैसे एडवांस फिल्टर में हेडिंग भी बहुत वाइटल होता है, यहाँ पर भी हेडिंग, जो हेडिंग है ये भी बहुत वाइटल है. हेडिंग को सिलेक्शन करना यहाँ पर मैंडेटरी है. जैसे वी लुकअप में क्या है, वी लुकअप में जैसे इच्छा आप डेटा को भी सिलेक्शन कर सकते हैं, पूरा डेटा, या हेडिंग से भी सिलेक्शन कर सकते हैं. बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, आपको हेडिंग लेना मैंडेटरी है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा. ये हेडिंग लेके काम करता है, मैं पहले ही बोले हैं एडवांस फिल्टर जैसा काम करता है. तो एडवांस फिल्टर में भी पूरा हेडिंग का साथ डेटा चाहिए. तो यहाँ पर हम सब ले लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, पूरा डेटा सिलेक्शन कर लिया. तो डेटाबेस मतलब पूरा डेटा सिलेक्शन. अभी हम सब तो यहाँ पर ड्रैग नहीं करेंगे, तो क्या होगा,
ये जो फंक्शन है ना डेटाबेस, पूरा जो टेबल को हम सब सिलेक्शन करें या पूरा डेटा को जो सिलेक्शन किए हैं, इसको लॉक करने का जरूरत नहीं होता। लॉक कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो ड्रैग तो करेंगे नहीं, एक साथ तीनों वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे, तो ड्रैग का जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम सबको लॉक का जरूरत नहीं है। लॉक कर सकते हैं, लॉक करने से कोई दिक्कत होगा नहीं, बट लॉक का जरूरत नहीं है। कॉमा, अभी क्या बोल रहा है, फील्ड। फील्ड फील्ड मतलब क्या होता है, कौन सा कलम आपको चाहिए। जैसे वैल्यू कप में था कलम इंडेक्स नंबर, उसका बदले में यहाँ पर क्या है, फील्ड। कौन सा फील्ड चाहिए, मतलब कौन सा कलम चाहिए। तो मैं तो यहाँ पर तीन कलम लिख के रखे थे, तीन फील्ड। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम मतलब कौन सा फील्ड में है। देख सकते हैं ये पूरा डेटा है, पूरा डेटा में एक नंबर कलम, जैसे वी लुकअप में होता है सेम ही है, एक नंबर कलम, दो नंबर, दो तीन चार पाँच छ सात, सात कलम अवेलेबल है। तो मुझे क्या क्या चाहिए, देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम कितना नंबर कलम में है, दो नंबर कलम में। और हम सब क्या कर रहे हैं, एरे वी लुकअप लगा रहे हैं, तो कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। दो नंबर कलम हमें चाहिए, तो दे दिए दो नंबर, फील्ड मतलब कलम, ठीक है। कॉमा, अभी क्या बोला, अभी क्या चाहिए आपको, रीजन चाहिए। रीजन कितना नंबर कलम है, देख लीजिए एक दो तीन चार, चार नंबर में, चार कर दीजिए। कॉमा, अभी क्या चाहिए, टोटल सेल। टोटल सेल देखिए कितना नंबर कलम है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन में है, तो सेवन डाल दीजिए। कर्ली ब्रैकेट बंद, तो फील्ड का काम हो गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, जैसे एडवांस फिल्टर में देते थे कंडीशन। अभी एडवांस फिल्टर में कंडीशन कैसे लेते थे, याद होगा आप सबको, हेडिंग एंड क्राइटेरिया सिलेक्शन करते हैं, हेडिंग एंड क्राइटेरिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सब क्या करेंगे, हेडिंग एंड क्राइटेरिया सिलेक्शन करेंगे। देखिए हम सब हेडिंग एंड क्राइटेरिया सिलेक्शन कर लिए, ठीक है। अभी जो डी गेट का जो ब्रैकेट ओपन था, अभी क्या करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, ब्रैकेट को बंद कर दिए। अभी हम पहले ही बोले हैं एरे वी लुकअप है, एरे वी लुकअप के लिए क्या करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तभी एक साथ सब वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम सब कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर देते हैं। देखिए एक साथ सब वैल्यू डिस्प्ले हो चुका है, एक बार देख लीजिए सही आंसर दिया है कि नहीं। मुनाफ देखिए, प्रोडक्ट नेम यूपीएस दे दिया, तो उसका बाद रियन ईस्ट दे दिया। टोटल सेल देखिए 12,500 है, 12,500 दे दिया। और एक कोई बंदा का अलग सा कोई ले लेता हूँ, मानो यहाँ पर मैं कोई सा भी नाम लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे नाम की भी यहाँ पर हम सब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए नहीं है, तो लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं सेवक। सेवक बोल के एक लिखे थे नाम है, एंटर करके देखिए तो सेवक का भी डिस्प्ले कर रहा है। एक बार देख लीजिए सेवक का सही से डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सेवक कहाँ पर है, सेवक 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 देखिए सीपीयू है, साउथ है और 36,000 है। देखिए यही दिया होगा, सीपीयू साउथ एंड 36,000, देखिए देख लीजिए यही दिया है कि नहीं, देख रहे हैं ना, सीपीयू साउथ और 36,000। तो एकदम सर्च कर रहा है। हाँ, जो बोल रहे थे वी लुकअप से ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पर है, जो वी लुकअप कर नहीं पाता है, देखिए यहाँ पर हम सब क्या कर रहे हैं, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनाए थे ना सेल्स रिप्रेजेंट, इसको हम सब प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं, मतलब अभी प्रोडक्ट आईडी से सर्च करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट आईडी हम सब सिलेक्शन कर लिए। अभी देखिए प्रोडक्ट आईडी तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर एरर दिखा रहा है। तो कोई सा भी प्रोडक्ट आईडी यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट कर देना है। जब भी पेस्ट किया हूँ, देखिए प्रोडक्ट आईडी से भी सर्च हो चुका है, देखिए प्रोडक्ट आईडी रिकॉर्ड यहाँ से आपका दे दिया। देखिए 16 है ना, प्रोडक्ट नेम यूपीएस, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट आईडी दिया हूँ, बट रिवर्स सर्च हो गया, रिवर्स, इसको जो भी लुकअप से संभव नहीं है, ये तो आगे इधर है ना, लेफ्ट साइड से नहीं जा रहा है, उल्टा जा रहा है, मतलब राइट इधर आ गया है, तो मतलब राइट से लेफ्ट जा रहा है। जो भी लुकअप क्या होता है, लेफ्ट से राइट होता है, राइट से लेफ्ट कर नहीं पाता है, तो ये रिवर्स भी सर्च हो रहा है, देख रहे हैं ना। उसका बाद रीजन, रीजन आ चुका है, टोटल सेल भी आ गया। तो प्रोडक्ट आईडी से भी हम सब सर्च कर सकते हैं, जो भी लुकअप से संभव नहीं है, देख रहे हैं 12 नंबर जाए, चलिए देखिए 12 नंबर में ठीक ठाक दिया है कि नहीं। देखिए 12 नंबर में क्या है, देख सकते हैं नॉर्थ है, 82,500 है, और क्या है, मॉनिटर है, देखिए वही दिया है यहाँ पर, वही दिया है, देख रहे हैं ना, मॉनिटर नॉर्थ और 82,500। तो यही है डी गेट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो भी लुकअप से हम सब कर नहीं पाते हैं। बट सब फंक्शन का क्या है ना, थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, इसका भी एक रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन क्या है, इसमें कोई सा भी जो वैल्यू देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट आई नहीं, यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट मतलब ये 16 ना, फिर से 16 लिखेंगे तो आंसर आएगा ही नहीं, तो इसका भी एक वीक पॉइंट है।
तो सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट रहता है, जो भी है थोड़ा सा हम सब कंपेयर कर दिया। वीलुकअप से क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीलुकअप से यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ए रिवर्स भी सर्च कर पाता है, ठीक है, जो वीलुकअप से संभव नहीं है। तो डी गेट फंक्शन क्या है, समझ में आ गया, लुकअप फंक्शन है, जैसे लुकअप फंक्शन हम सब वीलुकअप को भी बोलते हैं, इंडेक्स मैच फंक्शन को भी बोलते हैं, तो यही है डी गेट फंक्शन, डायनामिक, तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट सब कुछ कर सकता है। क्लियर हो गया। अभी आते हैं डी फंक्शन। डी फंक्शन क्या है, इसको कौन सा फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, ये है सामीप, जो ऐसा करते हैं कंडीशन लगा के जोड़ना, तो यहाँ पर भी हम सब कंडीशन लगा के जोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे जोड़ना है, अरे मॉनिटर का टोटल सेल्स चाहिए, मॉनिटर का टोटल सेल्स मुझे चाहिए, तो कैसे निकालना है, डी साम फंक्शन लगा के, साम मतलब जोड़ना, डी मतलब डायनामिक, देखिए डी साम कर दिया, टैप करके फॉर्मूला ओपन, डेटाबेस, तो डेटाबेस आप सबको पता चल गया, डेटाबेस मतलब पूरा डेटा, तो पूरा डेटा कैसे सिलेक्शन करना होगा, हेडिंग एंड डेटा, पूरा डेटा सिलेक्शन कर लिए, कॉमा, अभी क्या बोल रहा है, फील्ड मतलब कौन क्या चीज चाहिए, कौन सा कलम चाहिए, कौन सा फील्ड चाहिए मुझे, मैं अभी क्या बोला, टोटल सेल चाहिए मतलब ए वाला कलम चाहिए, तो इसको सिलेक्शन आप कर सकते हो, या इसका बदले में सेवन भी लिख सकते हो, जैसे आपका इच्छा, इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं या सेवन भी लिख सकते हैं, तो यही एडवांटेज है इसका, ठीक है। तो अभी तो हम सब लिख के तो दिखा दिए, अभी सिलेक्शन करके देखते हैं आता है कि नहीं, कॉमा, अभी क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज कैसे देना है, एकदम एडवांस फिल्टर जैसा, हेडिंग एंड क्राइटेरिया, तो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट एंड नीचे जो भी क्राइटेरिया, जो भी प्रोडक्ट लिखा होगा, हेडिंग एंड क्राइटेरिया ले लिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अभी जब एंटर करोगे क्या होगा, देखिए साम हो चुका है, मॉनिटर का साम, टोटल साम नहीं, मॉनिटर का साम ओनली, एक बार देखिए आंसर सही से दिया है कि नहीं, तो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, एक बार फिल्टर लगा के देख लीजिए, फिल्टर का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लगा लिए, अभी क्या देखना है, फिर मॉनिटर का टोटल सेल, मॉनिटर यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया हूँ, ओके, अभी देखिए इसको मैं टोटल सिलेक्शन कर लिया, अभी देखिए स्टेटस बार में क्या दिखा रहा है, 249,500, अभी यही दिखा रहा है कि नहीं, देखिए हाँ 249,500, देख रहे ना कितना इजिली साम कर चुका हूँ, हाँ मॉनिटर के बदले में आप सीपीयू कर दिए तो सीपीयू का आंसर आ जाएगा, देखिए देख लीजिए, इसको मैं मॉनिटर के बदले में कर देता हूँ सीपीयू, क्या आंसर आना चाहिए, सीपीयू वाला देख लेते हैं, सही दिया है कि 304,000 है, 304,000, तो देख रहे हैं, तो एकदम सामीप का काम कर रहा है। अभी हम सब इसको हटा देते हैं, अभी देखिए सामीप से भी एक बड़ा काम करता है, कैसे काम करता है, जो सामीप कर नहीं पाएगा या सामीप्स भी कर नहीं पाएगा, ठीक है। अभी देखिए मजेदार एक चीज दिखा रहे हैं, तो आप सबको पता चल जाएगा ये सामीप से क्यों ज्यादा, क्यों स्ट्रांग है। अभी मानिए दो क्राइटेरिया मुझे एक साथ जोड़ना है, मतलब मॉनिटर और सीपीयू, जो भी है दो प्रोडक्ट को एक साथ मुझे साम करके जोड़ना है, जो सामीप से कर नहीं पाओगे, एक बार आप सब ट्राई करके देख सकते हैं, आपका आंसर नहीं आएगा, बट यहाँ पर डी गेट डी साम फंक्शन से आप कर सकते हो, देखते हैं दे पाता है कि नहीं आंसर, सेम डी आर बहुत इजी भी है, डी साम लगा दिए, टैप डेटाबेस मतलब पता चल गया होगा, डेटाबेस मींस पूरा डेटा सिलेक्शन, तो पूरा डेटा कैसे सिलेक्शन करना होगा, हेडिंग एंड डेटा कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, पूरा डेटा सिलेक्शन कॉमा फील्ड, कौन सा फील्ड चाहिए आपको, वही सात नंबर, अभी सेवन भी कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं सेवन से काम करता है कि नहीं, फील्ड तो चॉइस करके देख लिए, तो सेवन कर देते, सेवन लिख भी सकते हो या सिलेक्शन भी कर सकते, तो मशीन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हेडिंग एंड क्राइटेरिया, अभी दो दो प्रोडक्ट है, देखिए कितना इजी हो जाएगा, प्रोडक्ट अभी दो दो क्राइटेरिया, तो दोनों को सिलेक्शन कर लिए यहाँ तक, हेडिंग एंड क्राइटेरिया ए बी मैंडेट है, दो प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है तो दो प्रोडक्ट का ही आंसर आना चाहिए, ब्रैकेट बंद। अभी देखिए मॉनिटर और सीपीयू को जोड़ के दे दिया आंसर, एएससी मॉनिटर का जोड़ के दिया है, ठीक है, अभी है मॉनिटर और सीपीयू का टोटल सम, अभी देख सकते हैं ये आंसर सही से दिया है कि नहीं, एक बार फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो हम सबको थोड़ा सा मन में सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, नहीं ये बहुत बड़ा काम करता है, तो हम सब देख लेते हैं सही से काम किया है कि नहीं, CPU था और मॉनिटर, ओके एक बार देख लेते हैं इसका कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, एक बार देख लेते हैं इसको दिखा रहा है कि नहीं, कितना है 553,500,
अभी देखिए 5,53,500 है ना। तो देख रहे हैं कितना इजी कर दिया है। तो यही है आपका डी साम फंक्शन, कितना छोटा फंक्शन आप सब देख सकते हो। यही आप सामीप्स लगा हुए तो संभव ही नहीं है। कारण क्या है देखिए मैं बोल देता हूँ, एक ही कलम में मल्टीपल कंडीशन नहीं दे सकते। सामीप्स से क्या कर सकते, एक ही कलम में एक ही कंडीशन चलता है। तो एक ही हम सब यहाँ पर एक ही कलम में दो दो कंडीशन लगा दिए है ना। तो सामीप्स से एक बार ट्राई करके देखिएगा, बट आंसर आएगा नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जब भी आप सबको बड़ा बड़ा साम टाम करना है तो डी साम फंक्शन की यूज कीजिए। कितना कितना स्ट्रॉन्ग फंक्शन है, बहुत डी मतलब ही डायनामिक, बहुत अच्छा काम करा, बहुत छोटा भी है। देख रहे हैं सामिप्स लगाने से बहुत बड़ा भी हो जाता है, ठीक है जो भी है, बट ये सामिप्स से संभव नहीं है। तो यही है हम लोग का डी साम फंक्शन, ठीक है, कंडीशन लगा के जोड़ना। और डी गेट फंक्शन क्या है, लुकअप, लुकअप वैल्यू लुकअप करता है, सर्च करता है। तो दोनों में दोनों फंक्शन को क्लियर हो गया, डी गेट फंक्शन क्या है, डी साम फंक्शन क्या है। आशा करते हैं आप सबको क्लियर हो चुका है। ओके गाइस, अभी मैं टॉपिक को यहां पर ही बंद कर रहा हूं। ओके, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय।